नमो नम कथं सन्ति सम्यक् हा तर्हि गतसत्रे वयं दृष्टवन्तः विनोत्पद्यानि श्रुतवन्तः अपि पुनः एकवारं वयं शृण्मः गायामः अपि तर्हि तर्हि चलन्तु शृण्मः गायामः पश्यन्तु सदा वक्री सदा क्रूरः कन्याराशिस्थितः सदा सदा पूजामपेक्षते जामाता दशमो ग्रह, टका कर्म टका हि परमं तपः यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टक्टकायते तक गटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् पुर्याद्रासबरोहणम् येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत् उष्ट्राणां हि विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दबः परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपं अहो ध्वनिः कन्यावरयते रूपं मातावि श्रुतं बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नं मितरे जनाः वैधराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च आनन्द गृहकार्यमाप्यतु स्वाध्यय તો બધાય કરી જ લીધું હશે છતાંય જોઈ લઈએ કંઈ થોડી ઘણી ભૂલ રહી ગઈ હોય તો સુધારી લઈએ સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન નીચેના શબ્દોનું મોટેથી ઉચ્ચારણ કરો કન્યા રાશિ સ્થિતઃ કન્યા રાશિ સ્થિતઃ પૂજા અપેક્ષતે पूजाम् अपेक्षते टक्टकायते तक टक्टकायते तक विन्द्यात् विन्द्यात् कुर्याद्रासवरोहणं कुर्याद्रासवरोहणम् उष्ट्राणाम् उष्ट्राणाम्

पूजाम अपेक्षते का वदिष्यति हां हां संगीता भगिनी पूजाम पूजापेक्षा संधि छुटी पाडो शोभनं सत्यम पूजाम वता अपेक्षते हां सत्यमस्त पूजा वतापेक्षते कुलमिच्छती कोण बोलसेजन भवान वदतु

पुनः लिखन तो अभी हाँ लखी पढ़ ले जो उत्तम आम एक बार हम गायन सदा वक्री सदा क्रूर कन्या राशि स्थित सदा सदा पूजा मपेक्षते जामाता दशमो ग्रह कन्या वरयते हाँ डेस 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 चना हाँ कहाँ वधिष्यति कौन बोल से? లతా వదతు చింతా లతిని వదా సత్యం సమీచీనం ధన్యవాద అభినందనం సమ్యస్ కన్యావరే మాత పితృతరే జన ప్రశ్న పా નીચેના શબ્દોનું અનુલેખન કરો આ તો તમે બધા કરી જ લીધું હશે છતાંય હું બોલતો જાઉં મારી સાથે સાથે તમે જોતા જાઓ સાંભળતા જાઓ અને લખતા જાઓ કઈ ભૂલ હોય તો સુધારી લેજો પ્રશી પ્રશી उष्ट्राणाम उष्ट्राणाम प्रश्न रेखांकित पदोना स्थाने कौशमा आपेला पदोनं उपयोग करी नवा वाक्यों लखो सदा पूजा अपेक्षते रेखा कुठे પૂજા એના સ્થાને બીજા શબ્દો લેવાના છે હા કોણ બોલશે કા વધીશ્ય નિયતી ભગીની હોતી વૂજા અપેક્ષતે ત્યાં સ્થાને ધન સત્ય બહુ સમીચી સદા ધન અપેક્ષતે સત્ય મનીષભાઈ ભવાન વદ તો

सम्मानं सदा पूजा अपेक्षते सम्मानं शोभनं सदा सम्मानम अपेक्षते सदा सम्मानम अपेक्षते उत्तमं कुर्यात रासभे आरोहण रासभे स्थाने अश्वे अश्वे का वदिष्य मैद्रता वदू अश्वे योजयतु हाँ समीचीन सत्यमस्ति कुर्यात अश्वे आरोहणम कुर्यात अश्वे आरोहणम उत्तम हाँ गजे का वदिष्यति हाँ निलेश हाँ निलेश भवान वदतु निलेश प्रातः वदतु किम गजे गजे शब्दम योजयतु हाँ सत्यं कुर्यात कजे आरोहणम कुर्यात कजे आरोहणं सत्यमस्ती हां इदानीं का वदतु बलिवर्दे बलिवर्दे योजयतु कुर्यात् बलिवर्दे आरोहणं सत्यमस्ति अर्थ जानाति बलिवर्दे साचुचे बढत उत्तमम्

ધારા ભગીની વધુ સમીચીન બધાએ ખૂબ સારા ઉત્તરો આપ્યા હા હવે આ સ્વાધ્યાય આખે આંખો જેમણે પણ નથી લખ્યો એ લોકો બધા પોતાની નોટમાં લખી નાખજો અને જેમણે લખી લીધું છે એમને બીજી વાર લખવું હોય તો પણ ના નથી ખૂબ સરસ થઈ જશે થરી ખૂબ સરસ તમારો સ્વાધ્યાય પણ તમે લખજો તરી કચ્છામાં પુનર્મિલામાં નમો નમઃ નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો कैसे आप सब हमने कक्षा आठ की इकाइयों का अध्ययन यहाँ पर किया है आज हम कक्षा आठ में पुनरावर्तन दो के तहत हमने जिन इकाइयों का अध्ययन किया है उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनका दोबारा यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं तो शुरुआत करते हैं इकाई एक से इकाई एक तेरी है जमी और ये बहुत ही मज़ेदार प्रार्थना गीत है इसी कविता में भाषा सज्जता की एक नई बात और वह था उपसर्ग और प्रत्यय उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी आइए उनके बारे में भी आज थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं तो देखिए जरा यहाँ पर मेरे साथ आपको इन शब्दों को पढ़ते जाना है और आपको तो अब इन शब्दों का वचन परिवर्तन करना है यानी कि ताला तो एक वचन में लिखा हुआ है अब आपको उसके उत्तर देते जाना है क्योंकि आपको ये पता है आप ये पढ़ चुके हैं है ना? तो हाँ ताला का वचन परिवर्तन अब क्या होगा तो उत्तर आपको ही देना है अगर आपका उत्तर गलत होता है तो क्यों होता है ये भी आपको देखना है और सही उत्तर क्या होगा इसके लिए आपको एक बार फिर से इकाई एक का अध्ययन करना चाहिए या इकाई एक फिर से एक बार पढ़ लेनी चाहिए ठीक है तो ताला तो उसका बहुवचन होगा ताले इसी प्रकार से लड़का तो इसका वचन परिवर्तन होगा लड़के इसी प्रकार से किताब तो इसका वचन परिवर्तन होगा किताबें है ना बात तो इसका वचन परिवर्तन होगा बातें यहां पर हमने ये भी सीखा था कि जो पहला शब्द है ताला या लड़का ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है और इनका जब वचन परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार से होता है इसी प्रकार से नीचे जो शब्द दिए गए हैं वे कौन से हैं? हाँ, वे स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन कैसे है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और उनका वचन परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार से होता है आइए कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं कन्या तो कन्याए भाषा, बाशा, बाषाए तिथि तिथियां, लिपि लिपियां। तो ये जो सारे उदाहरण आप यहां पर देख रहे हैं इसका अभ्यास हमने पहले भी कर लिया है आज सिर्फ हम उसका पुनरावर्तन कर रहे हैं ताकि उसकी समझ जिस प्रकार से हमें प्राप्त हुई है वह सही या गलत है उसकी जांच भी हो जाए और अगर हम सही तरीके से उसको नहीं समझे हैं तो दोबारा अभ्यास से हम उसको सही तरह से समझ भी लें तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वचन परिवर्तन के कई सारे नियम हैं और कई सारे ऐसे भी रूप हैं कि जिनमें एक ही प्रकार से वचन परिवर्तन नहीं होता उसके बारे में भी हम जान चुके हैं तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है और एक बार फिर से वचन परिवर्तन के सारे नियमों का अभ्यास आपको करना है ताकि उसकी सही समझ के साथ आपको जब भी ऐसे शब्दों का वचन परिवर्तन करना पड़े तो आप सरलता से वचन परिवर्तन कर सके आइए आगे ऐसा ही हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त की थी तो उसका भी एक बार पुनरावर्तन देख लेते हैं तो देखिए जरा यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं गुण और इसके आगे हम जो जो उपसर्ग लगाते जाते हैं तब हमें नए नए शब्द मिलते जाते हैं वैसे तो उपसर्ग की परिभाषा से आप परिचित हो चुके हैं कि शब्द के आगे जो शब्दांश जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं तो एक शब्द दिया गया है गुण और उसके आगे अब ऐसे कौन कौन से उपसर्ग हैं जिनको हम जोड़ते जाएंगे और हमें नए शब्द भी मिलते जाएंगे तो ज़रा देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर एक शब्दांश जोड़ दिया गया आप नी देख रहे हैं निर्गुण लेकिन मूलतः नीर है निर्गुण है ना तो यहाँ पर गुण के आगे इस शब्दांश को जोड़ने से हमें एक नया शब्द मिलता है गुण निर्गुण एक और शब्द देखिए गुण सगुण गुण सगुण तीसरा एक शब्द देखते हैं गुण दुर्गुण गुण अवगुण यहाँ पर आपने देखा कि एक ही शब्द के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के उपसर को जोड़कर हम नए शब्द प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे तो कई सारे ऐसे शब्द हैं और ऐसे शब्दांश हैं जिनको हम उपसर के नाम से जानते हैं जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं और हमें नए शब्द देते हैं जो विलोम शब्द भी हो सकते हैं विपरीत शब्द भी हो सकते हैं समानार्थी शब्द भी हो सकते हैं विशेषण शब्द भी हो सकते हैं तो उसके बारे में हमें और अभ्यास भी करना है आइए इसी प्रकार से अब प्रत्यय के बारे में भी एक बार देख लेते हैं देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया गया है दया और जैसे हमने गुण के आगे एक शब्दांश जोड़ा था निर अव दू है ना तो उसको अपसर कहते थे इसी प्रकार से अब इसके पीछे कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जो जोड़ेंगे तो हमें नए शब्द मिलेंगे देख लेते हैं जरा जैसे कि दया तो एक शब्दांश जोड़ दिया आलू तो नया शब्द मिला दयालु है ना और इसी प्रकार से दया के साथ जोड़ दिया वान तो हमें एक नया शब्द मिला दयावान दयालु और दयावान तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर इकाई एक, एक से जुड़ी हुई कुछ बातों की जानकारी हमने प्राप्त की और आपको इन सारी बातों का अच्छी तरह से ज्ञान होना आवश्यक है और इसके लिए आपको एक बार फिर से इस इकाई का पठन अवश्य करना चाहिए और भाषा सत्ता से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उसकी सही सही समझ हमें होनी ही चाहिए इसके लिए उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास भी करना चाहिए इसके साथ साथ इसी इकाई से जुड़ा हुआ एक और भी मुद्दा है और वह है शब्दकोश का क्रम तो आइए उसके बारे में भी ये जान लेते हैं शब्दकोश के क्रम से हम भली बाती अवगत हैं उसके बावजूद यहां पर फिर से पुनरावर्तन का आशय यह है कि आप जब भी शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखते हैं या जमाते हैं तब हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए शब्दकोश के क्रम के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अगर स्वर का क्रम पता है तो हम उसी प्रकार से शब्दों को शब्दकोष के क्रम में रख सकते हैं और उसी प्रकार से जब व्यंजन की बात आती है तो यहाँ पर पहला व्यंजन हमें वर्णमाला पता है लेकिन पहला क आएगा और उसके तुरंत बाद क्या आएगा तो क्ष आएगा ये क्ष क्यों आता है तो हमने ये जान लिया है कि भाई क और श जुड़कर एक संयुक्त वर्णमाला है और यह है क्ष जो हमारे वर्णमाला में भी है जो हमारी वर्णमाला में भी है और ये संयुक्त वर्ण होने के कारण यानी क से जुड़ा होने के कारण शब्द कोश के क्रम में जब हम शब्दों को रखते हैं तब क के तुरंत बाद क्ष वाले शब्द आते हैं इसी प्रकार से क, क के बाद क्ष ख घ, घ, है ना, ज और उसके बाद आएगा ज्ञ तो यह भी हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भाई ज्ञ क्या है तो ज और य का बना हुआ एक संयुक्त वर्ण है और इसीलिए उसका क्रम भी शब्द को उसके क्रमानुसार कहाँ पर आएगा तो ज के तुरंत बाद आएगा और इसी प्रकार से त्र है श्र है उनके क्रम से भी हम बली बाती अवगत हो चुके हैं साथ ही साथ जब सारे स्वर पूरे हो जाते हैं यानी कि औ और उसके बाद जो भी संयुक्त वर्ण है मानो कि क के साथ यह जुड़ता है तो उसका क्रम कहाँ पर होगा तो उसके बाद होगा यानी कि अ के बाद ही होगा तो यह भी हमें यहाँ पर समझना है तो आप जितना ज़्यादा अभ्यास शब्दकोश के क्रम के बारे में करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी समझ यहाँ पर बनती जाएगी और आप एक ही वर्ण से बने हुए भिन्न भिन्न शब्दों को सही क्रम में सरलता से रख सकते हैं तो इसके लिए इसका भी आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे यह आपसे अपेक्षा है आइए अब दूसरी इकाई के बारे में यहाँ पर जानते हैं इस इकाई से आप बलीबाती अवगत है और आपको तो ये ज्यादा पसंद आई होगी और अब तो आप इन प्रश्नों के उत्तर भी अच्छी तरह से दे सकते हैं कि भाई हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा है ना हामिद ने और कुछ नहीं लिया लेकिन क्या लिया चिमटा लिया तो उसने चिमटा ही क्यों खरीदा अब ऐसे जो भी प्रश्न है इस इकाई से जुड़े हुए हैं जैसे कि ये वाला प्रश्न है कि दादी का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया चिमटा लेकर जब हामिद घर पहुंचा तो उसकी दादी माँ उस पर क्रोध करने लगी गुस्सा हुई लेकिन हामिद ने जब बताया कि मैं चिमटा क्यों लाया हूँ क्योंकि जब तुम रोटी सेकती हो तो तुम्हारे हाथ से उंगलियाँ जल जाती है मुझसे देखा नहीं गया तब दादी को ये पता चला कि ये लड़का मुझसे कितना स्नेह करता है प्रेम करता है मेरी कितनी चिंता करता है तब उसका जो क्रोध था वह स्नेह में बदल गया है ना तो ऐसे जो भी प्रश्न हैं यहाँ पर मैंने आपको इन प्रश्नों की याद दिलाने के लिए यहाँ पर ये यह प्रश्न रखे हैं जैसे कि तीसरा जो प्रश्न है कि भाई हामिद की जगह पर आप होते तो क्या करते अगर आप मेले में जाते हैं और आपकी जेब में भी हामिद के जैसे ही कुछ थोड़े ही पैसे हैं और आपको तो कई सारी चीज़ें लेने की इच्छा होती है उसके बावजूद क्या आप हामिद के जैसा चिमटा ही खरीदेंगे यानी कि जो चीज़ आवश्यक है उसकी खरीदारी करेंगे या आपकी मनपसंद चीज़ जो भी है जैसे कि नूरे महमूद मोहसिन उन्होंने जिस प्रकार के खिलौने या सब चीज़ें ली है वैसी कुछ चीज़ आप लेंगे तो यह भी आपको सोचना है और ऐसे ही जो भी प्रश्न अभ्यास और स्वाध्याय में दिए गए उसका अभ्यास भी हमें बार बार करना चाहिए यानी कि आप पूरी इकाई को एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो ऐसे जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आप सरलता से दे सकते हैं है ना और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई भाषा सज्जता की जो भी बात है जैसे कि समानार्थी शब्द है विरुद्धार्थी शब्द है मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है तो उसके बारे में भी हमें अच्छी तरह से जानना है समझना है आइए तीसरी इकाई के बारे में जानते हैं तीसरी इकाई से आप अच्छी तरह से परिचित हैं सुनीता विलियम्स इस इकाई का जो मुख्य पात्र है और सुनीता विलियम्स से जुड़ी हुई कई सारी बातें हमें इस इकाई से पता चलती है हमने यहाँ इस इकाई में भाषा सज्जता के तहत लिंग परिवर्तन के बारे में भी कुछ जाना था और अब तो आप भली बाती इससे अवगत है और तुरंत उत्तर भी आप दे सकते हैं कि भाई देवर ये पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग होगा देवरानी जैसे कि ये दूसरा शब्द है नौकर तो अब क्या होगा नौकरानी है ना ये सारे उदाहरण हमने यहाँ पर देख लिए हैं तीसरा जो शब्द है जेठ तो जेठानी अब सेठ तो सेठानी है ना तो इससे हम अच्छी तरह से अवगत हो चुके हैं रुद्र तो अब होगा रुद्राणी है ना और इंद्र तो उसका लिंग परिवर्तन होगा इंद्राणी तो ऐसे लिंग परिवर्तन के कई सारे नियम के बारे में भी हमने यहाँ पर इसी इकाई में जानकारी प्राप्त की थी और ये सारी जानकारी आपकी किताब में भी दी गई है और आपको ऐसे और शब्दों का भी अभ्यास करना चाहिए है ना? और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी समझ बनती जाएगी तो यहाँ पर तीसरी इकाई में हमने लिंग परिवर्तन के इन नियमों के बारे में भी अच्छा तरह से जाना था समझा था तो विद्यार्थी मित्रों हमने यहाँ पर कक्षा आठ में इकाई एक से लेकर तीन के बारे में जो महत्वपूर्ण तो बातें थी यानी कि पुनरावर्तन करने का प्रयत्न किया है ताकि हमने इन इकाइयों से जुड़ी हुई जो भी बातें सीखी थी और उस इकाई से भाषा सत्ता से जुड़ी हुई बातें भी हमने सीखी थी और इकाई का मुख्य कथा वस्तु कौन सा था तो इन सारी बातों को याद करने का यहाँ पर प्रयत्न किया है और आपसे एक निवेदन है कि कृपया आप एक बार फिर से इन सारी इकाइयों का पठन कर लें ताकि इन सारी बातों को आप अच्छी तरह से फिर से समझ लें और इन इकाइयों में जो भी अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में भी आपको अभ्यास जरूर करना चाहिए ताकि आप उसके माध्यम से भी इकाई को अच्छी तरह से समझ लें अगले एपिसोड में हम इससे आगे जो भी इकाइयाँ आती हैं उनका पुनरावर्तन भी करने वाले हैं तो आप इससे पहले इन सारी इकाइयों के बारे में जान लीजिए धन्यवाद